पीछे पीछे के गला का डिजाइन का कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा नाप है, लंबाई 12.5 इंच, सीना 30 इंच, कमर 28 इंच, बाजू की लंबाई 4 इंच। साड़ी का ब्लाउज का अस्तर है, इसको मैंने खोल दी। ये दो फोल्ड में पहले से ही है, इसको फिर मैं 4 फोल्ड में कर दी। ये मेरा खुला हुआ भाग है, ये मेरा बंद भाग है। 4 इंच तो मेरे को तैयार ही रखना है, पूरा रेडी। इसको 5.5 इंच पे 5.5 इंच पे कटिंग कर देंगे। ये मोजू आएंगे, इसको मैं ऐसे खोल लूंगी। अभी इसको मैं इधर से खोलती हूँ, इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। ये मेरा पूरा है 15.5 इंच। इसको 1/2 इंच ऊपर से मार्जिन के लिए रखती हूँ, और नीचे तो मेरे को 12.5 इंच रेडी करना है। इसके लिए मैं आगे और पीछे को एक ही साथ कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए 12.5 इंच जब पूरा फाइनल होगा तो आगे का 13.5 इंच पे निशान लगेगा और पीछे को 13 इंच बन के तैयार होगा। 13 इंच रहेगा जिसमें 12.5 इंच 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा, 12.5 इंच पे तैयार होगा। मैंने ये गला का निशान लगा रही हूँ 1/2 इंच, यहाँ से यहाँ का शोल्डर 3। यह है 5 इंच। आगे की गला 6 इंच। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। इसको हम यहां से यहां मिला देंगे। सीना में 30 इंच था, इसके हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं। यह हो गया 10 इंच। मार्जिन के लिए इतना यही लेते हैं, जब कभी बाद में खोलना ही पड़ता है तो साइड में कपड़ा रहेगा तो एक्स्ट्रा खोल सकते हैं। अब इसको मैं हल्का हल्का गुलाई में मिलाऊंगी। यहाँ भी 1 इंच के से मैं ऐसे में सेप दूंगी, गुलाई में मिलाऊंगी। अब मैं इसको कट करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरा कटिंग हो गए, इसको काट ली। इसको मैं ऐसे खोल दी, दोनों ज्वाइंट इसको काट ली मैंने। अब ये देखिए, ये मेरा ऊपर वाला दो फोल्ड में है। ये एक आगे का पल्ला हुआ, एक पीछे का। इसको मैं बीचों बीच से कट लूंगी। इसको फिर मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी। अब इसमें तो मैं बताई हूँ, पहले ही बताई हूँ, जिस एक डिजाइनर बनेगा पीछे से, तो अभी इसमें कोई कटिंग का नहीं है, इसमें डिजाइन अलग से बनाया जाएगा। इसके लिए मैं 12.5 इंच तो तैयार ही होगा, इसको मैं 12.5 13 12 13 और 13.5 पे 13.5 जो लगाई थी मैं आगे की तो आगे वाला पल्ला में रहेगा। इसको मैं कट के हटा देती हूँ यहाँ से।
अभी मैं 12.5 इंच, यहाँ तो आपको फिर से मैं बता रही हूँ, ये मेरा 12.5 इंच, यहाँ तो मेरा इतना तैयार होगा और फिर भी इतना मेरा कष्ट रहा, इसको भी कट के हटा देती हूँ। इतना ऐसा मेरा मार्जिन में चला जाएगा अंदर जब पलटूंगी तो। यहाँ भी नाप के 1.25 इंच पे इसको भी खोल दूंगी। अब आप देखिए मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। मेरा ये खुल गया, मैं इससे ये डिजाइन बनेगा ऐसे, मैं सिल के फिर बताऊंगी इसमें। देखिए ये तो 13.5 इंच मैंने पहले से ही बताई हो, 13.5 इंच पे मैं दाग लगा ली यहाँ पे दोनों पार्ट में। अब इसको हल्का सा 1/2 इंच छोड़ के इसको जो एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे। अब यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगाती हूँ, इधर से यहाँ पे 4 इंच और यहाँ से यहाँ का 3.5 इंच। ये तो कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है, इसके लिए 4.5 पे लगा दी हूँ। इधर से मैंने लगाई हूँ 3/4। सेम उसी तरह इसमें भी लगा लेंगे। और फिर बीच में 1.5 से 2 इंच का दूरी रहता है, जिसकी इसमें 2 इंच है, इसमें भी 2 इंच है, यहाँ से भी यहाँ भी 2 इंच है। ये मेरा चारों टक्स तैयार हो गया। और ये मेरा लेस है, इसको देखिए मैं साइड से छोड़ के काट ले। मेरा छोड़ी हो गया। बीस के ऊपर ये आगे वाला पल्ला रख के इसको हम निकाल लेंगे। हम हाँ ख्याल रहे हैं, ये 1 इंच का जो मैंने निशान लगे इसको अंदर की तरफ रखेंगे, ताकि यहाँ से भी मैं सिलाई करूँगी तो इसको फोल्ड करूँगी तो ये ऊपर आ जाए, जिससे 1 इंच लगाने में सिलने में आपको आसानी होगा। यहाँ से मैं बीचों बीच इसको में से ये दोनों पीछे का पार्ट है, इसके बाद बराबर फिर कट लूंगी। 1 इंच का नीचे से साड़ी का कपड़ा पकड़ लूंगी। अब मेरा बाजू है, बाजू का अस्तर ऊपर से रख के बाजू काट लेंगे। इसमें बाजू अभी नहीं है। ये बटन कट लेंगे।
तीन हो गया। ये बाजू हो गए। सारी क्या लेस्ट मैंने उखाड़ी हो वो है कटिंग हुई है ना। अब चलिए इसको सिल के बताती हूँ।